आज़ाद कश्मीर के ज़िला पुंछ, सदनोती और बाग में बड़ी तादाद में सुद्दन कबीले के लोग आबाद हैं। दरअसल ये लोग नस्ली तौर पर अफगान कबीले सुदजी शाख से तल्लक रखते हैं। इस कबीले के जद अमजद सरदार जस्सी खान तनाजात की वजह से पिंडी, कोटा, पलंदरी और मंग के दरमियानी इलाकों में आकर आबाद हुए। ये नस्ल पुंछ, बाग, हवेली और मुसफराबाद तक फैली हुई है। इनकी शाख अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी आबाद है। इस कबीले के लोगों ने तहरीक आज़ादी, हकूक मलकियत, हक सच और डोगरा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया। जब गुलाब सिंह ने पुंछ में होने वाली बगावत को कुचलने की कोशिश की तो इसके मुकाबले में सुदजी कबीले के सब्जली और मिली खान के साथियों समेत खालें उतार दी गई। सरदार शम्स खान, सरदार बहादुर खान, मस्ताना खान, सरदार कर्नल खान, मोहम्मद खान, खान ऑफ मंग, कैप्टन हुसैन खान और दीगर नामवर शख्सियात ने तहरीक आज़ादी और तहरीक हकूक के मलकियत में भरपूर हिस्सा लिया। डोगरा हुक्मरानों के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जब भरपूर तहरीक के नतीजे में इस कबीले के फ़र्द गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम खान ने एक आज़ाद इनकलाबी हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखी। इस कबीले के लोग रियासत कश्मीर के अलावा पाकिस्तान और दुनिया भर में अपनी सलाहियतों के बायस हुकूमती और रियासती अहदों पर फायज हुए। इस कबीले में पुंछी और पहाड़ी जुबान बोली जाती है। सुद्दन कबीले का शजराए नसब हजरत इब्राहिम के साथ जा मिलता है। सुदजई कबीले का शजराए नसब हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब के नाम से जोड़ा जाता है, जिनका नाम इब्राहिमी जबान में इसराइल था, जिसके मानी अब्दुल्ला हैं, यानी अल्लाह का बंदा। हजरत कैस अब्दुल रशीद ने ना सिर्फ तबलीग इस्लाम में अहम किरदार अदा किया बल्कि मैदान जंग में भी सरगर्म रहे। हदीस शरीफ में मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस अब्दुल रशीद के लिए दुआ की, जिस खिते में आपकी नस्ल से इस्लाम को तकवीत पहुँचे। दुआ की बरकत के बायस महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और अहमद शाह अब्दाली ने फतुहात हिंद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दूर दूर तक इस्लाम को फैलाया। कबूले इस्लाम के बाद सुद्दन कबीले के जद अमजद कैस अब्दुल रशीद ने अजीम सिपा सलार हजरत खालिद बिन वलीद की सहबजादी हजरत अंसारा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की। हजरत कैस अपने कबीले के सरदार भी थे। जब हसब व नसब में जुर्रत व बहादरी की लाजवाल रोशनाई से इबारत हो तो सफ़ाए कुर्तास पर वही तहरीर होता है जो अजीम सुदजई सरदार और सब अली खान और मिल्ली खान ने माँ की हिफाजत की खातिर 1932 में जिंदा खालें खिंचवा कर की। हजरत कैस अपने वतन में दाखिल हुए और 41 हिजरी में वफात पाई। आपके 3 बेटे थे, इससे आगे सादुल्लाह खान की नस्ल सुदजई कहलाती है, जिससे अफगानियाद की शाख सुदजई अलग हुई और मुल्तान और डेरा गाजी खान में हुकूमत की। सादुल्लाह खान के 6 पुश से अहमद शाह अब्दाली पैदा हुए। उनका शुमार अफगानिस्तान के नामवर हुक्मरानों में किया जाता है। सादुल्लाह खान के 5 बेटे थे और बाप की नस्बत से सुदजई कहलाते थे। इनमें से जस्सी खान 1310 में हिजरत करके बरसगीर आई और पुंछ के इलाके मंग में आबाद हुए और वहाँ पर अपना मस्कन बनाया। एक अंदाजे के मुताबिक सुद्दनों की कुल तादाद 12 लाख है। सुद्दन कोई भी पश्तो नहीं बोलता और ना ही इनका कल्चर पठानों जैसा है, बल्कि उनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अब ये बात सोचने की है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग
यहाँ पर आए और अपना कल्चर, अपनी ज़बान को कैसे भूल गए।